नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। रतलाम जिले के जावरा नगर पालिका परिषद में राजस्व समिति के सभापति लोकेश बिजवा ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 1,55,00,00,000 रुपए से अधिक का बजट पेश किया, जिसे सर्वानुमति से पारित कर दिया गया। इस बार के बजट में महत्वपूर्ण बात यह रही कि इसमें कोई नया कर जनता पर नहीं लगाया गया है, जिससे शहरवासियों को थोड़ी राहत मिलेगी। वहीं इस दौरान भाजपा पार्षद अनिल मोदी ने कहा कि चुनाव हुए 8 से 9 महीने बीत गए हैं, लेकिन हमारे वार्ड में कोई विकास कार्य नहीं किया गया। वहीं इस बार बजट में मुख्य रूप से सड़कें, बस स्टैंड, पेयजल, स्टेडियम व अन्य महत्वपूर्ण कार्य पर पैसा खर्च करने की प्लानिंग की गई है। इधर नगर पालिका अध्यक्ष अनम यूसुफ कड़पा से बातचीत में उन्होंने बताया कि बजट में शहरवासियों पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है और सारे कार्यों पर विश्लेषण करके ही बजट पारित किया गया है। इसकी विशेषता ये है, सबसे बड़ा बजट रहा है हमारी परिषद, पहली परिषद का, और सबसे पहले ये सबसे जल्दी खत्म हुआ है ये बजट। और इसमें पूरे शहर को हम मद्देनजर रखते हुए बजट में हम लोगों ने सारी चीजों को इन्वॉल्व करके ये बजट कराए। इसमें टैक्स वगैरह की लगा है? नहीं, इसमें कोई टैक्स हमने बढ़ाए नहीं है, जो पहले से लगे हुए हैं वो ही उसी पे कायम है।